भारत पाक क्या कहेंगे, भारत पाक के बीच ठीक है ना, क्या है बीच हुए युद्ध वर्ष, क्या है हुए युद्ध वर्ष, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत पाक के बीच हुए युद्ध और इसको हम लोग वर्ष में देख लेते हैं कि कब कब हुआ था। तो देखो एक तो सबसे पहले कि आपको 1947 में आजादी के बाद ही हम इसको कश्मीर मुद्दे को लेकर क्या किए थे, ठोके थे रे लड़का, सुनो यार कहता मैं 1947 में जब कश्मीर पर इसकी गंदी निगाहें पड़ गई थी ठीक है ना, तब ठीक है ना। दूसरा जो था आपको 1965 में, आपको पता होगा उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, तो शास्त्री जी ने ही क्या किए थे कि आपको जय जवान जय किसान का नारा इसी युद्ध के दौरान दिए थे, नहीं कि जय जवान क्या है जय जवान और आपको जय किसान क्या है जय किसान का नारा जो दिया गया था इसी युद्ध के दौरान दिया गया था। और हमने पाकिस्तान को क्या कहते जानते हैं कि आपको लाहौर तक के जो उसके क्षेत्र है उसको हम लोग जीत लिए थे 65 में, लेकिन पाकिस्तान निकला तो खुद क्या निकला तो खुद, इसको 65 में भी हराए लेकिन फिर भी ये बात नहीं है। उसके बाद 1971 में कहता है 1971 में भी हम इसको क्या किए थे हराए थे ठीक है ना। उसके बाद एक आपको 1999 में कहता है 1999 जो कि कारगिल युद्ध हुआ था, इसमें हम लोग उसे प्रत्यक्ष रूप से क्या किए थे कि आपको पराजित किए थे। तो देखिए 1965 का जो भारत पाक युद्ध है इसका जो अंत हुआ था वो आपको तस्कंद समझौता द्वारा, किस समझौता द्वारा हुआ था तस्कंद समझौता द्वारा, इसको भी आप लोग अच्छे से क्या करोगे देख लोगे। तो तस्कंद समझौता का या 1966 स्पेशल नहीं पढ़ा रहे हैं, हल्का सा हिंट दे रहे हैं, 1971 के जो भारत पाक युद्ध हुआ था ठीक है ना, इसका अंत जो हुआ था शिमला समझौता द्वारा, किसके द्वारा शिमला समझौता के द्वारा, ध्यान से सुना किस समझौता द्वारा शिमला समझौता द्वारा ठीक है ना। शिमला समझौता कब हुआ था तो 1972 में हुआ था, ठीक है। और इतिहास का जो सबसे बड़ा सैनिक समर्पण है ठीक है ना, वो आपको पाकिस्तान के द्वारा किया गया था भारत के सामने, अर्थात इसके 93,000 सैनिकों ने क्या किया था कि भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो बताइए तो इससे ज्यादा गौरवान्वित विषय हमारे लिए है कोई, इसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी बात की पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर हमने बांग्लादेश बनवा दिया, क्या कर दिया बांग्लादेश बनवा दिया। और उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा लेडी, जिनका नाम है आपको इंदिरा गांधी को थी, इंदिरा गांधी ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी को इतिहास में कई सारे महत्वपूर्ण करे फैसले लेने के लिए क्या होते हैं क्या आपको जाने जाते हैं। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ठीक है ना, अर्थात जो आपको कारगिल की ऊंची चोटी पर बैठे हुए जो आपको पाकिस्तानी सैनिक थे उसको हमारे भारतीय जज्बाजों ने क्या किया था कि आपको पराजित किया था। और इस दौरान आपको एयरफोर्स ने भी हमारा साथ दिया ठीक है ना, हमारे नौसेना ने भी साथ दिया, और हमारे क्या थे कि स्थल सेना के द्वारा भी क्या हुआ था कि कई ऑपरेशन चलाए गए थे। तो इसमें से देखो 1999 के कारगिल युद्ध में सबसे पहले वायुसेना द्वारा ऑपरेशन ठीक है ना सफेद सागर चलाया गया था, क्या चलाया गया था ऑपरेशन सफेद सागर, इसको याद रखना ठीक है ना। नौसेना के द्वारा ऑपरेशन आपको तलवार, ये सब याद है तुमको रे, ऑपरेशन तलवार किसके द्वारा नौसेना के द्वारा, और जल सेना के द्वारा सॉरी क्या कहते हैं जल सेना के द्वारा ऑपरेशन क्या चलाया गया था विजय, क्या था विजय। तो अक्सर लोग जानते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय चला था, लेकिन उस समय का एक्स्ट्रा जान लो ये जो आपको वायुसेना है उसने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था, नौसेना जो था हमारा ऑपरेशन तलवार चलाया था, और उसके बाद हमारे जो थल सेना है जिसको दूसरा कहता है आर्मी, क्या कहते हो आर्मी, तो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था। और इस प्रकार से 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल को क्या किया था जीता था, क्या किया था जीता था। देखो भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए क्या है कि आपको प्रमुख युद्ध वर्ष है, लेकिन पाकिस्तान अब समझ गया, क्या हो गया समझ गया कि देखो भैया प्रत्यक्ष युद्ध में हम नहीं जीत सकते, क्या कर सकते हैं नहीं जीत सकते। तो जब हम प्रत्यक्ष युद्ध में ना जीत सकते हैं तो उसको कम कैसे किया जाए, तो उसको कम करने के लिए उसने क्या किया कि आतंकवाद का सहारा लिया, किसका सहारा लिया आतंकवाद का। तो देखो तो भारत पर हुए कुछ प्रमुख आतंकवादी हमला है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे संसद भवन पर जो हमला हुआ था ठीक है ना, लेकिन उससे भी पहले आओ 1999 में, कितना में 1999 में जो आपको क्या हुआ था कि जो एयर इंडिया का जो एक विमान था IC-814 ठीक है ना, उसका जो आपको हाईजेक कर लिया गया था वो आपको नेपाल से उठते हुए और उसको कंधार लेकर गया था, क्या गया था कंधार लेकर गया था, और भारतीय जेल में बंद जो था ठीक है ना पाकिस्तान के जमा जिसका नाम था मसूद अजहर, उसको उसने क्या किया था छुड़वा लिया, क्या कर लिया छुड़वा लिया। एक सबसे पहला गलती तो ये किया था 1999 में कंधार हाईजेक करके ठीक है ना। दूसरा जो है ध्यान से सुनिएगा कि आपको भारतीय संसद पर हमला ठीक है ना,
13 दिसंबर 2001 को, ठीक है ना। आज देखो इस पर कई सारे मूवी भी बने हुए, जैसे ये दिल आशिकाना मूवी तो सब देखा हुआ है और तो सब देखता होगा कि ये वो पूजा रहती है लड़की नहीं है, वो लड़का रहता है नाम करण रहता है, क्या रहता है करण रहता है। जब प्लेन हाईजेक होता है तो करण जो होता है उस पूजा को क्या कर लेता है बताइए, आपको बचा लेता है। तब दोस्तों रियल जिंदगी में ना मत करना, वो फिल्म है, क्या है फिल्म है कि उसमें आतंकवादी के सामने उनकी हत्या जीत जाता है, क्या होता है जीत जाता है। जब एंकर ओकरा से पूछता है ठीक है ना कि आप अपने जान पर इतने बड़े जोखिम क्यों लिए, वो कहता है कि उसमें हमारी जान बसती थी, और जान कौन थी तो पूजा थी। तो 3 घंटा वाला फिल्म है, क्या है 3 घंटा, लेकिन हमारा रियल लाइफ कुछ अलग है, ध्यान दीजिएगा ठीक है ना। उसके बाद 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर क्या हुआ था, क्या आपको हमला हुआ था ठीक है ना, ये भी भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला है। उसके बाद देखो लड़का रहे 26 नवंबर ठीक है ना 2008 को मुंबई के जो ताज होटल है वहां पर हमला हुआ था, जो हमारे वहाँ के जो विक्टोरिया जो रेलवे स्टेशन वहां पर भी हमला हुआ था, कई सारे जगह पे हमला हुआ था। उसके बाद आपको 2015 में जो हुआ था वो आपको क्या हुआ था, आपको पठानकोट एयरबेस हमला हुआ था लास्ट समय था ठीक है ना। उसके बाद उरी हमला 2016 में कहता है उरी हमला 2016 में, तब मैं तुम सब देखा कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक देखा हुआ है, हां उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी देखो लेगा विक्की कौशल का नहीं, हां हर द जोश सुने हैं हां, आपको किसमें था बताइए तो उरी हमला के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें। उसके बाद में वो 2019 में उस समय मना रहा था वैलेंटाइन, क्या मना रहा था वैलेंटाइन 14 फरवरी 2019 को, और हमारे भारतीय जो आपको सैनिक थे ठीक है ना सीआरपी के लगभग आपको 44 जवान जो थे वो आपको क्या हो गए थे, आपको शहीद हो गए थे, क्या हो गए थे शहीद हो गए थे। तो उसके बाद मोदी जी किए थे एयर स्ट्राइक, क्या किए थे एयर स्ट्राइक ईरान 2000 याद होगा नहीं, तो पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर दिए थे। तब से लेकर अब तक देखते हो कि आप छोटा मोटा तो इससे हमला होवे करता है, मान चले कि अगर हम फायदे के आतंकवादी तो वो तो पंखा मन का इधर उधर छिटपुट होवे करेगा, तो अटैक करवे करता है, तो थोड़ा बहुत आपको कश्मीर बॉर्डर पे चलता रहता है ठीक है ना। तो यह हमारा एक्ट क्या है कि आपको अस्थायी मतलब किसको समझिए ना, अब इसको अपना अस्थायी समस्या मान लेते हैं कि जब तक पाकिस्तान हमारे बगल में रहेगा जब तक छोटा मोटा आतंकवादी हमला होता रहेगा ठीक है ना। तो देखो तो ये सारे चीजों को याद रखना कि 4 को तो युद्ध वर्ष है, उन दौरान कौन सा ऑपरेशन चला था इसको याद रखना है, आप उसके बाद क्या कि किस किस वर्ष में जो आतंकवादी हमला हुआ था इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है ठीक है ना। क्योंकि तो यहाँ से भी आपको कुछ क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं जिसमें आपको 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद वाला याद रखिएगा, 26 नवंबर 2008 को जो आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई ताज होटल इसको याद रखना है, और 2019 का पुलवामा हमला वाला एक दिन को याद रखना है, क्योंकि पॉलिटिकल है ना करंट वाला पूछ दिया जाता है, क्या पूछ दिया जाता है करंट वाला ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इन सारे चीजों को याद रखेंगे ठीक है ना, इस सारे चीजों को नोट कर लीजिए अगर आपको समझ में आई तो, नहीं तो उसको भाषा में क्या करेंगे लिखवाएंगे ठीक है ना। चलिए आज की कक्षा को रह दीजिए, मिलते हैं बेहतर।